हाय फ्रेंड्स, इसमें से शेयर करना नहीं होता है, निकाल शेयर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जल्दी जल्दी शेयर करो। What are you making? Pan tea cake. What are pancake? Tea cake. Pan tea cake. पांच मिनट हम वेट करते हैं। देसी पान फ्लेवर। यस, देसी पान फ्लेवर। हाय नीलम, व्हाइट चॉकलेट में पाउडर कलर को कैसे यूज करें? कौन है? BRS1230। डियर, ये अभी व्हाइट चॉकलेट की नहीं है और ये पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाता है। सजेस्ट प्लीज, थैंक्स फॉर सजेस्ट प्लीज, थैंक्स फॉर प्लीज सजेस्ट। व्हाइट चॉकलेट में, व्हाइट चॉकलेट में पाउडर कलर यूज किया जाता है। इज दिस लाइफ विल बी सेव्ड? यस। Yeah.
मशीन। ये वीडियो तो है बट आई नो बट इट्स माय क्वेरी। कौन सा पाउडर कलर? मैजिक कलर। और वाइट चॉकलेट बड़ा ट्रिकी होता है तो देखिए हम पान की बना रहे हैं। तो इसमें दो तरीके के पान आते हैं, जो नॉर्मल लाइट ग्रीन कलर का होता है जो कि वो यूज़ नहीं करना है आपको, और एक डार्क वाले जो महंगे आते पत्ते आपको वो ही यूज़ करने हैं, ठीक है। और उसको हमेशा पान टी केक इसकी जो डंडी है उसको तोड़ देना है। और इसको छोटे छोटे पीसेस करके ग्राइंड करना है। दिख रहा है उसको? आवाज क्लियर है? सब कुछ सुनाई दे रहा है? पहले इसको एक मिक्सी में ब्लेंड कर देना, देन थोड़ा सा जो हम कर्ड यूज करेंगे वही कर्ड इसमें डाल के आपको ब्लेंड करना है। दिस लाइफ विल बी सेव्ड ऑन योर फीड। जी, मेरे FB पे भी रहेगा और इंस्टा पे भी रहेगा, ठीक है। इसमें हमको ज़रूरत पान की है, फिर इसके बाद ये गुलकंद है, इसके अंदर ही मैंने सौंफ डाल दिया है। आवाज़ आ रही है? और ये टूटी फूटी है, आप चेरी भी ले सकते हो। देन ये जो लीव्स आते हैं अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, ये सारा डेकोरेशन के लिए, पर गुलकंद जो है वो केक के अंदर जाएगा। पाउडर शुगर लिया है मैंने, पाउडर शुगर को पाउडर करने के बाद ही मेजर करना, पहले नहीं मेजर करना। फिर मैदा लिया है, ठीक है, इसको छान लेना है। फिर बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, अगर उसमें ऑप्शनल है, मैंने ग्रीन कलर लिखा है। ये भी ऑप्शनल है अगर आपको चाहिए, वरना अभी एसेंस भी कलर के साथ आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने जो मेजरिंग स्पून यूज़ करी है 1 cup = 255 ml वाला, मैं जब तक ये पीस के लाती हूँ, कोई क्वेश्चन है तो आप लिख के रख दीजिए। पाउडर शुगर है तो ले सकते हैं, पाउडर शुगर है तो ले सकते हैं। देखो अगर आपको ऐसे डालना है तो भी आप डाल सकते हो, या पेस्ट बनाना है तो पेस्ट भी बना के डाल सकते हो।
मैंने इसमें होम कर्ड लिखा है, मतलब के छान लेना है, ज़्यादा पानी उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये भी पैकेट वाला है, इसमें पानी है, बट आप इसको थोड़ा सा छान लो तो पानी निकल जाएगा। ज़्यादा पानी पहले से ही कर्ड में होना नेसेसरी नहीं है, अगर आपको चाहिए तो ही डालना। बोलो मैं आपको बताती हूँ। सारी चीजें रूम टेम्परेचर पे रखना। ऐसे ही आपको मेजर करना है, वरना बराबर से मेजर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा 1 कप हो गया है। अब इसको हम इसी में से ही कुछ 1 टेबल स्पून जितना कर लेंगे। और ये हमारा पेस्ट रेडी है, इसमें देखो कलर भी आ गया है। अब हम मिक्सिंग बोल लेंगे। हाय निधि,
इसमें हम ऑयल लेंगे नॉन फ्लेवर, सनफ्लावर या कोई भी चलेगा, पर सीम तेल या कोई कपासिया तेल वो मत लीजिएगा, नॉर्मल कुकिंग ऑयल हाफ कप, ठीक है। उसमें हम शुगर डालेंगे, ये देखो हमने कर्ड जो छाना है इसमें से इतना पानी निकल चुका है। अगर अब इसमें बैटर पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम यही पानी यूज़ करेंगे। अमूल या कोई ऐसे डब्बे में जो कर्ड मिलता है उसमें पानी, और बाहर से हम जो लेते हैं उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ आप उस हिसाब से फिर वेट करना एक कप का। ठीक है, ये देखिए क्रीमी टेक्सचर हो गया। इसमें हम ये पान वाला मिक्सचर ऐड करेंगे, इसी में ही हम गुलकंद ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मैदे में हम ऐड करते हैं। वन एंड वन फोर्थ टीस्पून, वन फोर्थ टीस्पून बेकिंग पाउडर प्लस वन टीस्पून। Where I can find exact measurements? मैं पोस्ट करूंगी पेज पे, थोड़ा थोड़ा करके हमको मिक्स करना है। लाइव सेशन खत्म होने के बाद मैं
पोस्ट करूंगी। थैंक यू। वेलकम। सेव करके लेना है। यस। अब ये स्टेज पे मैं अपना ओवन प्रीहीट करने रख रही हूँ 160 पे। अब इसमें थोड़ा पानी लगेगा, मैदे मैदे पे डिपेंड करता है ये। अगर आपके मैदे में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है फ्लावर में तो आपका पानी ज़्यादा लगेगा। Your voice is not clear. Please check your connection dear, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे दूसरे फोन में भी आवाज आ रही है। बाकी और किसी को प्रॉब्लम है? अब इसमें हम थोड़ा सा पान एसेंस डालेंगे। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए 2 से 3 टीस्पून ही डालूंगी, मैंने इसके ड्रॉप्स ही डालूंगी। और मैं जेल कलर यूज कर रही हूँ 1, 2। चाहो तो बीटर का यूज कर सकते हो पर जरूरत नहीं है, ओवर बीटिंग हो जाएगी। हाँ, वॉइस इज नॉट क्लियर। एक मिनट। मैं इसमें थोड़ा और पानी ले रही हूँ। वन टेबल स्पून पहले डाल रही हूँ मैं। अभी आ रही आवाज, मैं ज्यादा बोल नहीं रही हूँ कि मिक्सिंग कर रही हूँ। इट्स क्लियर? किसने पूछा था? शिवांगी एंड सीमा। मैम पान मसाला एसेंस भी यूज्ड? हाँ यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें नहीं तो कर्ड की स्मेल आएगी। थोड़ा सा ही डालना, ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी गुलकंद है। मेरा मैंने 2 to 3 ड्रॉप्स ही डाला है। चेक, ये ऐसा होना चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्ट, फ्लोइंग में भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। Like this. अब हम इसको
तेल में डालेंगे। इसको हम ग्रीस करेंगे, ये 7 इंच है। ग्रीसिंग सिर्फ ऑयल बटर या सिर्फ क्योंकि वो ताकि वहाँ से पेपर दे देना बटर पेपर। हाँ वो ऊपर वाला। कपकेक मफिन्स भी बना सकते हैं क्या? जी बना सकते हैं। सीजर भी आप नहीं करो बटर पेपर तो भी चलेगा, ये आपकी चॉइस है। एक सिलिकॉन निकालना सर कपकेक के। चाहो तो आप इस पे पान के पत्ते भी कट करके डाल सकते हो, पर मैंने अभी ये लीव्स इसीलिए लाई हूँ। थोड़ी सी रेड छोटी फूटी या इसमें अब इसको हम टैप करेंगे और ओवन में रख देंगे। इसमें 160 पे मैंने इसको 40 मिनट्स रखा है। मैं इसमें आपको बता देती हूँ, सिलिकॉन वाला गैस पे बताओ। सिलिकॉन वाला मैं ओवन में ही रख रही हूँ, 30-40 सेकंड में हो जाएगा। आप एक बार केक बना सकते हो गैस पे। देखो एक मैंने छोटे में डाला है और एक बड़े में।
पे डाल देना। लेट मी क्लियर दिस। So will you put this cake and cupcakes to bake together? Of course, baking time is different. Yes. नहीं, मैंने साथ में नहीं रखा है। ये देखो, मैंने इसको सिर्फ ओवन में रखा था। कितना? 1 मिनट के 30 सेकेंड्स में होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। Yes, tell me. Where did you put? Please explain. देखिए, मैंने ये cupcakes जो mold आते हैं silicone के, उसमें ये 2 tablespoons मैंने डाला है। और OTG में तो मैंने tea cake bake करने रखा है, और oven में मैंने ये रखा था क्योंकि फटाफट हो जाए और आपको दिखा सकूँ। वो तो मैं picture post करूँगी ही, पर ये चीज़ मैं आपको दिखा सकूँ। ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, देखिए तो भी आपको सॉफ्टनेस दिख रही है इसकी। सी द सॉफ्टनेस, सिलिकॉन से चिपका हुआ है। और कोई क्वेश्चन? देखो, 15 मिनट्स में ये रेडी हो गया। बस बेकिंग टाइम आपको जाता है, और जो चीजें सारी घर में होती है, बस आपको सिर्फ गुलकंद लाना है। कुछ क्वेश्चन? ये वीडियो इंस्टा पे भी सेव रहेगा, मेरे पेज पे, और फेसबुक पे भी रहेगा। आप जब चाहे देख सकते हो। मैं रेसिपी भी पोस्ट कर दूंगी।
रेसिपी पोस्ट कर देना। यस। अब देखो ये छोटे वाले हैं, मैं इसको भी अभी अभी डाल देती हूँ। ये तो मैंने ऐसे ही डाला था तो ऊपर से सही नहीं आया। ये हम अगर छोटे में बनाते हैं तो बोल सकते हो आफ्टर एट, जैसे कि हम मुखवास खाते हैं तो आप ये खा सकते हो कि सी। ये ऑलरेडी इसका वेट मैं आपको बताऊं, ग्राम्स का कपकेक। देखो अगर मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर दूँ तो वो अच्छे से निकल जाएगा सिलिकॉन में। बैटर टिन में ही यूज़ करेंगे तो आपको तो दिखाने का ही इसलिए मोल्ड में किया है, दिखाने के लिए इसने मोल्ड। पता मैं पूरा बैटर टिन में ही यूज़। कितने कपकेक बन गए? स्मॉल 4 बन गए, बड़ा 1 बना है और इसके भी अगर मैं करूँ तो 2, तो मतलब नॉर्मली 1/4 कप जितना बचा था मेरा बैटर। आपने क्या क्वेश्चन पूछा है BRS? और मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, जब आप पान वाले के पास जाओ तो उसको बोलना कि हमको केक में या फिर आइसक्रीम में या जो भी खाने की चीज़ में यूज़ करना है तो आपको उस हिसाब से वो पान देगा। ये जो है जो हमारी दादी नानी जब बना के खाते थे वो ये पान है। बैटर पूरा केक टिन में यूज़ करेंगे तो हाँ चलेगा, ये तो मुझे दिखाना था वरना फिर लोगों को ऐसा लगता है कि हम दिखाते और है, देते कुछ और है, इसीलिए उसमें थोड़ा ही बचा था तो वो कुछ ऊपर नहीं आएगा। पर वो कितने इंच का टिन था? 7। हाँ 7 इंच के टिन में आप पूरा बैटर यूज़ कर सकते हो। इट्स डन, छोटा कप के मुझे समझ नहीं आया था। अभी जिसने भी ज्वाइन किया है एफबी पे, ये वीडियो आपको दिखेगा बाद में। हाफ क्वालिटी हो तो थिन साइज।
सेवन इंच का तो हम छोटा नहीं कर सकते, तो फोर इंच आप यूज कर सकते जो भी है आपके जो टीन साइज है, कि कभी भी परफेक्ट टीन साइज भी नहीं होता है, हाफ इंच या टू सेंटीमीटर बड़ा होता है, तो आपके टिन में बैटर इतना आना चाहिए। अब आपका मैदा कितना फूलेगा वो आपको, इसीलिए आपको 1/3 ही भरना है। इट्स डन। प्लीज ये बनाना और मेरे पेज पे टैग करके पोस्ट करिए। और कोई क्वेश्चन? देखिए जो अभी मैं आपके सामने और डाल रही थी उसके ये और रेडी हो गए। आपको अगर ये ऐसे पार्टी वार्टी में सर्व करना है तो आप यूज कर सकते हो इसको आफ्टर एज बोल के यूज कर सकते हो। थोड़ा ज़्यादा गुलकंद डाल देना और ज़्यादा पान का फ्लेवर डाल दो तो आपका स्मेल वैसे ही आएगी। I mean if I take half quantity then which tin size I use, 5 or 6, which one? 5. Go for 5. Awesome. Thank you. मैं बाद में आपको फोटोज पोस्ट कर देती हूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर।